Subscribe to my channel and press the bell icon so you never miss any update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएल अपडेट्स में। यहाँ मिलेंगे आपको स्पेस रिलेटेड कुछ ऐसी अपडेट्स जो आपको जरूर जाननी चाहिए। एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम ने गाया सैटेलाइट के सेकंड डेटा रिलीज से एक बेहद ही चौंकाने वाली खोज की है। गहरे काले अंतरिक्ष में हमारी गैलेक्सी के उस पार एक ऐसे मिस्टीरियस स्ट्रक्चर की खोज हुई है जिसे देखकर वैज्ञानिक काफी हैरान हैं। दरअसल ये एक ड्वार्फ गैलेक्सी है जिसकी डेंसिटी बेहद ही ज्यादा कम है और ये एक्सट्रीमली डिम है। लेकिन हमने इसे पहले क्यों नहीं देखा? इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला कारण काफी सिंपल है और वो ये है कि ये छोटी गैलेक्सी बहुत ही कम चमकती है क्योंकि इसमें पाए जाने वाले तारे बहुत ज्यादा पुराने हैं। लेकिन इसके दूसरे कारण के पीछे एक बड़ी मिस्ट्री छिपी हुई है। हमारी गैलेक्सी रहस्यमय तरीके से किसी बड़े ऑब्जेक्ट की तरफ खींचती जा रही है जिसे वैज्ञानिकों ने द ग्रेट अट्रैक्टर नाम दिया है। हम इस ऑब्जेक्ट को अभी तक नहीं खोज पाए हैं क्योंकि ये हमारी ही गैलेक्सी के पीछे छिपा हुआ है जहां देख पाना लगभग नामुमकिन है। दरअसल ये हमारी गैलेक्सी की थिक सेंट्रल डिस्क के बिल्कुल पीछे है और ये डिस्क पीछे से आने वाली लाइट को लगभग ब्लॉक कर देती है। स्पेस के इस रीजन को वैज्ञानिक जोन ऑफ अवॉइडेंस कहते हैं और यही जोन ऑफ अवॉइडेंस है वो दूसरा कारण जिसकी वजह से वो ड्वार्फ गैलेक्सी हमसे छिपी रही। लेकिन थैंक्स टू द गाया स्पेसक्राफ्ट जिसके बारीकी से किए गए अध्ययन ने इसे सामने ला ही दिया। लेकिन सिर्फ यही इस गैलेक्सी को इतना मिस्टीरियस नहीं बनाता। ये गैलेक्सी लार्ज मैजेलनिक क्लाउड जितनी बड़ी है और मिल्की वे के साइज का तीसरा हिस्सा है, लेकिन फिर भी ये इनसे लगभग 10,000 गुना कम चमकदार है जो कि इसके साइज के मुताबिक काफी कम है। इस गैलेक्सी को एंटलिया 2 और एंट 2 नाम दिया गया है, लेकिन वैज्ञानिक इसे द घोस्ट गैलेक्सी भी कहते हैं। अनुमान है कि ये घोस्ट गैलेक्सी हमारी मिल्की वे को ऑर्बिट कर रही है, पर अजीब बात ये है कि ये गैलेक्सी दूसरी ड्वार्फ गैलेक्सीज की तरह साइज में छोटी नहीं है। ये गैलेक्सी कम तारों के साथ ही एक बड़े दायरे में फैल गई है। मिल्की वे की ग्रेविटी के कारण इसके तारे डिफ्यूज हो गए हैं और यह गैलेक्सी बिखरी सी नजर आ रही है जिस कारण इस ड्वार्फ गैलेक्सी का साइज काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। फिलहाल तो एंटलिया 2 के इतने बड़े साइज के पीछे मिल्की वे की ग्रेविटी को ही जिम्मेवार माना जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही इससे जुड़े दूसरे अन्य पहलुओं पर भी गौर किया जा रहा है। वैज्ञानिकों ने इस गैलेक्सी को नाम दिया है द घोस्ट गैलेक्सी क्योंकि आज तक किसी ने भी अंतरिक्ष में इतना डिफ्यूज्ड स्ट्रक्चर नहीं देखा जो मिल्की वे को ऑर्बिट करता हो। ऐसे ही और पता नहीं कितने राज उस जोन ऑफ अवॉइडेंस में छिपे हुए हैं। दोस्तों, अगर आप इस न्यूज को वेरीफाई करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है एक सुपर अर्थ की डिस्कवरी से रिलेटेड। हमारा सबसे नजदीकी स्टार सिस्टम है अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम जो कि एक ट्रिपल स्टार सिस्टम है और उसी स्टार सिस्टम में है एक सुपर अर्थ प्लेनेट जिसे हम अपना सबसे नजदीकी सुपर अर्थ एक्सोप्लेनेट मानते हैं जिसका नाम है प्रोक्सिमा बी। ये स्टार सिस्टम लगभग 4.3 लाइट ईयर की दूरी पर है, लेकिन इससे थोड़ा दूर 6 लाइट ईयर की दूरी पर एक और सिंगल स्टार है जिसका नाम है द बर्नार्ड स्टार। वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक ऐसे प्लेनेट को स्पॉट किया है जो बर्नार्ड स्टार को ऑर्बिट कर रहा है और वो एक सुपर अर्थ हो सकता है। स्पॉट किए गए इस प्लेनेट का नाम है बर्नार्ड स्टार बी। ये प्लेनेट पोटेंशियली एक रॉकी प्लेनेट हो सकता है जो कि हमारी पृथ्वी से लगभग 3.2 गुना ज्यादा भारी है। ये 233 दिनों में अपने तारे का चक्कर लगाता है, लेकिन इतनी ज्यादा दूरी से कि इसकी पोजीशन स्नो लाइन के आसपास हो सकती है। मतलब यह है कि यह प्लेनेट हैबिटेबल जोन में नहीं है और यहाँ इंसानी जीवन नेचुरल तरीके से संभव नहीं है। ये एक फ्रोजन वर्ल्ड है जिसका तापमान -170 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ जीवन हो सकता है। दोस्तों, आप इस प्लेनेट के बारे में क्या सोचते हो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट है इसरो की तरफ से।
इसरो ने अनाउंस किया है एक ऑर्बिटर मिशन वीनस प्लेनेट के लिए, जिसका नाम रखा गया है शुक्रयान वन। शुक्रयान वन 2020 के बाद लॉन्च करने की योजना है। शुक्रयान वन एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में शुक्र ग्रह को एक्सप्लोर करेगा। यह शुक्र के सबसे नजदीक 500 किलोमीटर तक जाएगा और सबसे दूर 60,000 किलोमीटर तक रहेगा। यह मिशन शुक्रयान के अलावा दूसरे देशों के पेलोड्स को भी स्पेस में लेकर जा सकता है। अगर इसरो को इस मिशन के लिए प्रॉपर फंडिंग मिली तो मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 के बाद इसे ही लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है एरेसिबो मैसेज को लेकर। 16 नवंबर सन 1974 को पेरेटोरिको के जंगलों में स्थित एरेसिबो ऑब्जर्वेटरी में कुछ वैज्ञानिक इकट्ठे हुए थे और उन्होंने एक मैसेज को इनकोड किया, जिसमें उन्होंने पृथ्वी, जीव जंतुओं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी आदि के बारे में जानकारी दी थी और उस रेडियो मैसेज को उन्होंने ट्रांसमिट किया था M13 की तरफ, जो कि हमसे लगभग 25,000 लाइट ईयर की दूरी पर स्थित है। 3 मिनट का ये रेडियो मैसेज इंसानों द्वारा बाहरी तारों की तरफ भेजा गया पहला रेडियो मैसेज था। और इस एरेसिबो मैसेज को 16 नवंबर सन 1918 को 44 साल पूरे हो चुके हैं। इंसानों की इस उपलब्धि को दिखाने के लिए गूगल ने भी इसके लिए एक विशेष डूडल तैयार किया था। वाकई में ये एरेसिबो मैसेज एक महान युग की शुरुआत का मैसेज था। दोस्तों, फिलहाल के लिए बस यही थे कुछ अपडेट्स, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप स्पेस और साइंस की दुनिया से जुड़े रहें। दोस्तों, जल्द हाजिर होंगे कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।